वेलकम बैक, कैसन भाई में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सप्पोरो के मारुयामा कोएन के बारे में। तभी मैं कोएन मतलब पार्क, तो मैं पार्क में आया हूँ। ये बहुत ही फेमस कोएन है। देखिए, यूजुअली गर्मियों के सीजन में जब चेरी ब्लॉसम साकुरा होता है, उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए आते हैं। तभी फिलहाल ये हुआ है कि यहाँ पे कोएन में पार्क में टेंट भी लगा दिया गया है। तो इन टेंटों में से आप खाना वगैरह, वैसे जो भी लोग ट्रैवल करने आ रहे हैं, इधर घूमने आ रहे हैं, तो उनके उतना सस्ता नहीं है, फिर भी ये नॉर्मल प्राइस में है। और प्लस कुछ अगर आप सामान वगैरह भी ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से, जैसे मैंने पहले बताया था कि टेडी बियर या फिर खिलौने की सामान जो कि ज़्यादातर बच्चों को पसंद है, तो यहाँ पे अवेलेबल होती है, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। खाने पीने के सामान, जहाँ तक आपको पता ही है कि जापानीज लोग खाने पीने का बहुत ही शौकीन होते हैं, तो ये इनका खाने का सामान वगैरह है, तो ये बहुत ही फेमस होता है यहाँ पे। जैसे मैं आगे भी चलूँगा तो आगे भी टेंट लगा करके खाने पीने के सामान बेची जा रही है, लेकिन वैसे हमारे इंडिया से, भारत से बहुत ही अलग होता है यहाँ पे। यहाँ की जो वस्तुएँ हैं हमारे इंडिया से बिल्कुल भी अलग सी होती। तो मैं मेन रोड से थोड़ा सा साइड में कट लेता हूँ, ताकि मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता था यहाँ पे, पुरानी सभ्यता की चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता था। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, 100 yen का है। तो यहाँ से आप 100 yen डाल करके आप ये लीजिए। और अरे सोचना नहीं, मुझे भी पता नहीं है ज़्यादा। और ये पूरी जापानीज में लिखा है इन्होंने, तो पुली की वहाँ से आप ख़रीद करके यहाँ पे बांधा जाता है। अगर आप बांधते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। और एक तरह से भगवान की मंदिर है यहाँ पे, देखिए जिंजा बोलते हैं, जिंजा यूजुअली जिंजा बुद्ध भगवान के लिए फेमस होता है। क्योंकि मैं एक से बात करता हूँ, बताएंगे मेरे को इनोरी न था मैं が入れて、あ、その後は？あ、これを切って、はい、めくって、100円でこれをもらいます。で、その後は？開きます。はい、開きます。はい、大吉とか、はい、この運勢が書いてあります。仕事運だったり、はい、恋愛運だったり、はい、いろんな自分の関わる運勢が書かれています。はいはいはい、でその後それがそこで、じゃそれ何する、その後大吉とかだったら、はい、持って帰った方がいい。京都だったら結んでおいた方がいい。ああ、例えばそこで仕事とかは書いているところは、例えば仕事、はい、え、ちょっと待ってください、100円ですよ。え、そうなんですか。じゃあ一緒に、はいはいはいはい。なんだっけ。100円。現金がないか。あ、あるあるある。はい。入れます。はい。はい。でここから1枚、1枚、はい、どうぞ。あ、ありがとう。い
よし、はい、で、開きます。はい、どこの国ですか？え、インド。インド、はい、ありがとうインドわかりますか？え、何ですか？末吉ですね。末吉、末吉どこに書いてますか？こっち、ここですか、ね、そういう、どういう意味？ちょっと簡単な日本語でお願いします。まあ、普通、はい、普通の普通みたいな感じですね。あー、で、ほら、その仕事とか健康とか、はい、学業とか、はい、普通のこと、はい、で、こっちは開きますか？はい、小吉ですね。小吉、どういうこと？ちょっと、うん、書いてますね。そう、小さいのこと、でも、これの意味をお願いします。意味、はい、まあ、いいのこと、うん、いい意味に捉えた方がいいです。はいはいはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。So, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, but saw and में ये मिला, इसमें इन्होंने लिखा है कि इमी, बढ़िया इमी, अब जापानी kanji का मतलब एक बार देख करके आपको डिटेल में बताएंगे, उससे पहले थोड़ा सा प्रेयर कर लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप चलिए, हमारा प्रेयर खत्म हुआ। हमारी पूजा संपन्न हुई और उसके बगल से आपको थोड़ा सा इसको दिखाते हैं, ये वाला व्यू। जिंजर जापानी सभ्यता में जैसे हमारे यहाँ मंदिर या फिर मस्जिद होता है, मस्जिद वैसे ही यहाँ पे जिंजर का कॉन्सेप्ट है। तो जिंजर जापानीज गॉड बुद्ध के पूजा के लिए बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जापानीज गॉड चाइनीज गॉड हैं, भगवान है, वो यहाँ पे रहते हैं। जिंजर की परिक्रमा भी की जाती हैं, तो आप देखिए लोग पूजा भी कर रहे हैं और ये पीछे से बना दिया गया है कि आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सिमिलर होता है इंडियन मंदिर के कोरेस्पॉन्डिंग, बट फिर भी इनका बनावट देखिएगा तो ये अलग होता है हमारे भारत से। पैसा वैसा साया डाल करके पूजा किया जाता है, जो मेरे को पता नहीं था, तो मैं बिना पैसा डाले ही और ये तालियां बजाई जा जाती है। तो देखिए कैसे लोग पूजा कर रहे हैं, मतलब पैसा डाला, तालियां बजाई और फिर माथा टेका, ऐसा हमारे को एक्जेक्टली पता नहीं था। तो खैर, भगवान सबकी सुनते हैं और भूल चूक भी माफ़ी करते हैं, तो अगर भगवान होंगे तो मेरी भी सुनेंगे और भूल चूक भी आपको माफ करेंगे। ये
ये ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं यहाँ पे आते रहते कि ये भी दो बार बजाना होता है, दो बार आपने बजा दिया उसके बाद में आपकी आगे का प्रेयर स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोग बजा नहीं पा रहे हैं, शायद एक ग्रुप में एक लोग ही बजाते हैं और पैसा डालना उतना नेसेसरी नहीं है। तो ऐसे एक तो मैंने सही किया था, बट ताली बजाने वाला वो मैंने नहीं किया था। तो ये जो तीनों का ग्रुप आया है, इन्होंने तीनों ने पैसे डाले हैं। ओह, इसमें दोनों ने, तीनों ने तालियां बजाई। पिची एन, एक एन का जो है यहाँ पे रूल होता है, उससे भाई साहब ने बताया था कि अगर आप यहाँ से 100 एन डाल करके निकालते हैं, कुछ आता नहीं है, तो आप यहाँ पे बांध दीजिए, ठीक है। या फिर कुछ होता है ना कि आपको मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पे बांध दी जाती है, तो उसे थोड़ा सा अलग है हमारे उधर। ओह, मेरा स्केट बोर्ड यहाँ पे है, मैं तो लगभग भूल ही गया था इसको। चलिए फिर आगे चलते हैं। लंबा है ना ये पार्क और चौड़ा भी है। मैंने सोचा था कि खाने पीने की वस्तुएं बाहर से खरीद लेते हैं, क्योंकि अंदर कुछ मिलेगी नहीं, बट ऐसा है नहीं। ज़्यादा भूख लगने पर मैं यहाँ से ले सकता हूँ। वीडियोग्राफी की चीज़ें भी अवेलेबल हैं यहाँ पे। देखिए ऑटोमेटिक खिलौने, मछलियाँ तैर रही हैं पानी में, एक छोटा सा जिंजा इधर भी है, तो हम उसको स्किप करेंगे फिलहाल। अगर आपको कुछ पढ़ना है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसके आगे भी कुछ खाने पीने की वस्तुएं अवेलेबल हैं यहाँ पे। और पिछले वीक के व्लॉग में मैंने बताया था कि साकुरा का सीजन काइदो में आ गया है, और आप लोग साकुरा पसंद भी करते हो, तो इसी वजह से ये वाले वीडियो मैं मारुयामा पार्क में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, से टिपिकल साकुरा ऐसे ही होता है, जिनका एक चेरी ब्लॉसम भी बोला जाता है, जापानीज में साकुरा बोला जाता है। पूरे के पूरे पेड़ फूल से लद जाते हैं। ब्यूटीफुल है ना। जापान साकुरा के लिए भी जाना जाता है, बहुत ही फेमस सीजन होता है जापानीज कैलेंडर में। अगर आप साकुरा के सीजन में जापान ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको साकुरा ज़रूर विजिट करना चाहिए नियर बाई पार्क में। एक्सपेक्टेशन से लंबा पार्क है, जैसे कि मैंने देखा था, पहले सोचा था कि करीब 500 मीटर का होगा, बट ये 500 मीटर से बड़ा है।
एक और जिंजर सामने दिख रहा है, बट वो वहाँ पे हम विजिट नहीं करेंगे अभी के लिए। लगता है ब्रेड वगैरह है, हमको ठीक से दिख नहीं रहा वहाँ पे अंदर, मैंने तो विजिट नहीं किया था तो इस वजह से। चलिए आगे निकलते हैं इसको स्किप करते हुए। एक बड़ा सा जिंजर यहाँ पे भी अवेलेबल है।